हम सबकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जब हम सामने वाले बंदे से जलते हैं, जलस फील करते हैं, अपने दोस्त से जलस फील करते हैं कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास महंगा फोन है, लड़कियां हैं तो सामने वाले से जलस करते हैं कि वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। हम सब अपनी लाइफ में अपने अपने कंडीशन और अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से सामने वाले बंदे से जलते हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू ओवरकम जेलेसी। जेलेसी का सिंपल सा मतलब ये होता है हमारे अंदर की कमियां जो किसी और के अंदर पूरी होती हैं, हमारी लाइफ में जो इनकम्प्लीटनेस होती है, जो अधूरापन होता है, जो हम चाहते हैं कि वो भर जाए लेकिन वो किसी और की लाइफ में पहले से भरा हुआ होता है। एक लड़की है जो चाहती है कि मेरे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े लेकिन उसको वो अटेंशन नहीं मिलता है लेकिन उसकी फ्रेंड को मिलता है, तो जलन होती है। स्पेशली हम जलते किससे हैं, हम जलते हैं उस बंदे से जो हमारे आसपास डेली रूटीन में रहता है या फिर हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं वो हमारे साथ जुड़ा होता है। हमारी फैमिली में वो हो सकता है, हमारे पड़ोस में वो हो सकता है। आप शाहरुख खान से जलोगे, आप सलमान खान से जलोगे, आप मोदी से जलोगे, बिल गेट से जलोगे? नहीं। सबसे पहला काम है, और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूं, सबसे पहला काम है आप कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज फील करते हो तो उसको एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, उसको अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आप ही का पार्ट है। अगर आप अपने ही किसी हिस्से को अपने से अलग करने की कोशिश करोगे तो आपको दर्द होगा। आप जेलसी को अलग मत करो। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही जेलस होते हो? नहीं, क्या पता जिससे आप जेलस हो रहे हो वो भी किसी से हो रहा हो, और जिससे वो रहा वो भी किसी से जलस हो रहा हो। ये पूरी की पूरी दुनिया किसी ना किसी से जली रही है अपने अपने लेवल पे। जिस भी बंदे ने ये जो कमेंट किया था कि मुझे एक वीडियो चाहिए कि हम अपनी जलसी कैसे खत्म करें, वो क्यों चाहिए था? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं जलता, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं, बैकग्राउंड में वो जलन चल रही है। आप कुछ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वो अंदर ही अंदर थॉट चल रहा है यार बगल वाले ने गाड़ी ले ली। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई योर इनसिक्योरिटीज। हमारी जो जलसी होती है वो इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। अगर आपकी लाइफ में आज की डेट में आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी ना हो ना, तो आप नहीं जलोगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कोरे पन्ने पे। दोबारा कह रहा हूं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इनसिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो आप किसी से नहीं जलोगे। आप जलते हो अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। आपकी गर्लफ्रेंड है और आपकी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बात कर रही है, और अगर आप इस चीज को लेकर इनसिक्योर हो कि यार अगर मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे छोड़ के भाग गई तो, और अगर जैसे ही आपने देख लिया उसे किसी लड़के से बात करते हो, यू विल फील जेलस। लेकिन आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी नहीं है, वर्ड में जा जाती है तो दूसरी आ जाएगी, या फिर मुझे इतना ट्रस्ट है कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। आपके अंदर इनसिक्योरिटी है ही नहीं, आपको जेलेसी होगी नहीं वो किसी से भी बात करे। इनसिक्योरिटी से पैदा होती है जेलेसी। तो आपको जेलेसी को टारगेट नहीं करना है, आप टारगेट ही गलत कर रहे हो। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करना है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो सकती है, पैसे को लेके हो सकती है, बॉडी को लेके हो सकती है, चेहरे को लेके हो सकती है, अपनी पर्सनैलिटी को लेके हो सकती है, कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती इसलिए हो सकती है। उसको पेपर पे जॉट डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपके अंदर ये जेलेसी है कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो अपने आप से ये पूछो कि ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं अच्छा दिखने लग गया तो, ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा सुंदर हो गई तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना है या अपनी पर्सनालिटी नहीं बनानी है, मैं ये कह रहा हूं कि उस इनसिक्योरिटी की तह तक जाओ कि अगर मैंने ये सब पा भी लिया, कर भी लिया, तो मेरे साथ क्या क्या चीजें बेस्ट हो जाएंगी। अगला स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से पूछो कि जिस इंसान से मैं जल रही हूं या जल रहा हूं, अगर मुझे अपनी लाइफ उसके साथ स्विच करने को बोल दी जाए तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूं? मतलब आपकी लाइफ उसको मिल जाएगी और उसकी लाइफ आपको मिल जाएगी। हम ना बहुत छोटा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं किसी भी चीज का, उसके नीचे की जो गहराई है वो हम कभी देखते ही नहीं है। आप जिस बंदे को देख के जल रहे हो, क्या आपको उसका फैमिली बैकग्राउंड पता है? क्या आपको पता है कि उसकी फैमिली में क्या सब चल रहा है? क्या आपको ये पता है कि उसकी लाइफ में खुद कितनी प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको कैंसर भी है? उसके पास बहुत अच्छी उसकी पर्सनैलिटी है, बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसको वो डेली बंदा झेलता है? आप जिस बंदे को देख रहे हो उसके पास बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो उस गाड़ी को EMI पे लेके आया है, वो उसको लोन पे लेके आया है? और अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार जिस बंदे के साथ तुम जेलस हो रहे हो ना, आपको उसकी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन आपको ये मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो ये बंदा अपनी लाइफ में करता है। तभी मैंने कहा कि हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स विद अ सेंसिबल पर्सन। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई सेंसिबल बंदा है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा बना हुआ है, जिसको आप समझते हो या जिसको आप लुकअप करते हो कि यार ये मेरे मार्गदर्शक हैं, ये मुझे सिखाते हैं, ये मुझे ढंग की चीजें बताते हैं, उनके साथ जाके ये बात शेयर कर डालो कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ना जेलस फील कर रहा हूँ इस बंदे से इसलिए। तो सेंसिबल जो बंदा होगा वो कभी भी आपको जज नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी बुरे हो, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, आपको एडवाइस देगा और आपको शांत करने की कोशिश करेगा कि कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ होता है। ये वाला पॉइंट जो है वो इस वीडियो की पावर है। जिस भी चीज को लेके आप किसी
बंदे से जल रहे हो। जाहिर सी बात है, इसका मतलब वो आपकी इनसिक्योरिटी है, मतलब वो चीज आपकी लाइफ में अधूरी है, आपके पास वो चीज नहीं है, आप उस चीज के लिए दबा के काम करो। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, तुम तो जेलेसी को बढ़ावा दे रहे हो, अगर ऐसे तो कोई बंदा जलने लग जाएगा कि किसी के पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, तो क्या वो मर्सिडीज के लिए भागने लग जाए? कल को किसी की सक्सेस होगी कि यार इसके पास 50 करोड़ का घर है, मुझे 100 करोड़ का बंगला बनाना है, तो क्या वो 100 करोड़ का बंगला बनाने भाग जाएगा? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, अपना कान खोल के सुनना। मान लो आज की डेट में आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका कोई जानकार है या आपका कोई फ्रेंड है जिसकी सिचुएशन आपसे बहुत अच्छी है, जो अच्छी लाइफ जीता है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका, और आप भी चाहते हो कि आप भी वैसा जियो, तो ये इच्छा है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे जल रहे हो, ये गलत है, जलन मत करो, ये आपकी इच्छा है, आप उसको पाने की पूरी कोशिश करो, दबा के मेहनत करो, तब आपके पास में वो चीजें आने लगेंगी जिस चीज के लिए आप दूसरों से जलते थे। इससे पता है क्या हुआ, जिस दिन आपके पास वो चीज आ जाएगी ना, आपको पता हूं क्या पता लगेगा, यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, यार इसमें तो कुछ रखा ही नहीं था। ऐसा क्या हो जाएगा जब मेरे पास गाड़ी होगी तो, ऐसा क्या हो जाएगा जब मेरे पास बंगला होगा तो, ऐसा क्या हो जाएगा जब आज मैं ये 1000, 1500, 1200 की घड़ी पहन रहा हूं, जब मैं 1 करोड़ की घड़ी पहनूंगा तो ऐसा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपनी उस जेलेसी को सक्सेस में कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको ये महसूस हो जाए कि मैं बिना मतलब में जल रहा था। और काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एफर्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि सामने वाले बंदे के पास अगर BMW है तो वो बैठे बैठे नहीं आई है, जो आप बैठ के उससे जल रहे हो, उसने दबा के मेहनत करी है, वो जला होगा। अगर जेन्युइन तरीके से वो बंदा बहुत मेहनती है और उसने गाड़ी ली अपनी मेहनत से, और आप बैठ के पास जल रहे हो, अपना कलेजा जला रहे हो कि इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, एक टाइम ऐसा आएगा आप जलना बंद कर दोगे। धीरे धीरे जब आप कुछ अचीवमेंट्स पाना शुरू कर दोगे ना, आपको महसूस हो जाएगा कि यार जलने वलने में मजा नहीं है, कुछ कोई फायदा नहीं है जलने में, मैं तो खामखाई छोटी छोटी चीजों के लिए जल रहा था। तब आपके अंदर ही जलेसी नाम की चीज पूरी तरीके से मिट जाएगी, वरना नहीं मिटेगी। मैं आपको कितना भी बोल लूं मत जलो, जलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा उससे, आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसी चीज उठा के करने की कोशिश करना शुरू कर दो जिससे आप जलते हो किसी बंदे से, कोई भी चीज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कुछ भी करो, अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके खरीद लो ना एक फोन, पता चल जाएगा आप क्योंकि जल रहे थे, किस बात का जल रहे थे आप। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में आज की डेट में जो भी चीजें हैं, भगवान का शुक्रिया करो कि हे भगवान, मेरे पास मेरे दोनों सही सलामत हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकता हूँ, मेरे हाथ हैं, मैं चीज़ों को उठा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं मेरे कान हैं, मैं सुन सकता हूँ, मेरे सारी चीज़ें ढंग से फंक्शन कर रही हैं, मेरे घर में एक छत है, मैटर नहीं करता 1 करोड़ का घर है या किराए का घर है, छोटा घर है या बहुत बड़ा घर है, मैटर नहीं करता, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है मैटर नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चल के काम पे जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको रोड पे सोना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, जिनको UPSC की तैयारी करनी है, जिनको आगे लाइफ में बढ़ना है लेकिन उनके पास कोचिंग की फीस नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। आप रात को 2 रोटी सब्जी खा के सोते हो, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भूखे सोते हैं। Have gratitude for those things which you have in your life. इन सब चीज़ों को सोचने से आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों से आप सामने वाले बंदे से जलते हो, आपकी वो जेलेसी की जो भावना है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। अगला मेरी तरफ से बोनस पॉइंट, लाइफ में लोगों से जलो मत, लोगों को जलाओ। सामने वाले से जलने की कोशिश मत करो यार, तुम खुद ही जल के खुद ही फूक जाते हो, उसको बेचारे को पता भी नहीं चलता मेरे साथ कितने लोग जल के मर भी गए मेरे से। आपको भी अपनी लाइफ अपने लिए जीनी है, दूसरों को जलाओ, उनसे जलो मत, खूब जलाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, जिसको जलना है जलने दो, और आप जलाओगे थोड़ी ना, ये मेरे कहने का एक मतलब है, जलाना नहीं है किसी को एक्चुअल में, क्यों मैं गाड़ी इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जलाना चाहता हूँ, मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको जलाना चाहती हूँ, नहीं 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 नहीं, किसी को जलाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए काम करो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, दुनिया आपसे ऑटोमेटिकली जलने लग जाएगी, जलने दो उनको, लेकिन आप किसी से मत जलो, क्योंकि जब आप जलते हो ना तो आपकी जलन अंदर ही अंदर आपको खाती है, कभी नोट कर लेना, परेशान आप होते हो या वो, जलन आपको होती है या उसको, रातों की नींद आपकी जाती है या उसकी, वो तो आराम से चैन से सो रहा है घोड़े बेच के, परेशानी आपको होती है, आप सोचे जा रहे हो उसके बारे में, मत सोचो, दूसरों से मत जलो, दूसरों को जलाओ, खूब जलाओ, खूब मेहनत करो, खूब काम करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन बाय।